टीपू सुल्तान की तलवार नीलाम हुई, पैसे इतने मिले कि एक ट्रेन बन जाए। 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तलवार की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ब्रिटेन में इसकी नीलामी की गई, जहां टीपू की तलवार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। टीपू सुल्तान की तलवार लगभग 140 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। किसी भारतीय वस्तु की नीलामी में ये एक नया रिकॉर्ड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के बोनहम्स के लिए ये नीलामी की गई थी। टीपू सुल्तान की ये तलवार उनके प्राइवेट रूम से मिली थी। सोने और स्टील से बनी इस तलवार को सुखेला नाम से जाना जाता है। तलवार को सत्ता का प्रतीक माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तलवार ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर जनरल डेविड बेयर्ड को उनके साहस के प्रतीक के रूप में पेश की गई थी। बोनहम्स के प्रमुख ओलिवर व्हाइट ने तलवार की नीलामी पर मीडिया को बताया, ये शानदार तलवार टीपू सुल्तान से जुड़े सभी हथियारों में सबसे ज्यादा खास है, जो आज भी निजी हाथों में है। ओलिवर ने आगे कहा कि तलवार को बनाने में जिस कला का इस्तेमाल किया गया है वो काफी शानदार है। यही नहीं, तलवार का टीपू सुल्तान से रिश्ता भी इसे खास बनाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1799 में श्रीरंगपट्टम की हार के बाद टीपू के महल से कई हथियारों को हटाया गया था। उनमें से एक टीपू की तलवार भी थी। टीपू की इस असाधारण तलवार के ब्लेड में शासक की तलवार गुदा हुई है। तलवार 16वीं शताब्दी में आए जर्मन ब्लेड के मॉडल पर बनाई गई थी। इसे मुगल तलवार बाजों द्वारा निर्मित किया गया था। तलवार में सोने की कैलीग्राफी की गई है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई लोगों का रिएक्शन सामने आया है। सकीना महम नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, इसे किसने खरीदा? ये सिर्फ मेरी बेचैनी पैदा कर रहा है। काश हमारे सैनानियों की चीजें उपमहाद्वीप में रह पाती, ताकि हमारे भूले हुए इतिहास को सामूहिक चेतना में अभी भी कुछ जगह मिल सके। सैयद कादरी नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अनभक्त इस महान योद्धा के नाम और देशभक्ति से ना वाकिफ है, जिन्होंने अंग्रेजों को तब तक हराया जब तक कि एक अंदरूनी गद्दार को बेनकाब नहीं कर दिया। आपको बता दें कि जितने रुपए में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी हुई है, उतने में एक वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत आती है। ये लागत जीएसटी हटाकर है। माने टीपू की तलवार और वंदे भारत ट्रेन दोनों की कीमत लगभग समान है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो काफी जबरदस्त था। इसमें हमने देखा टीपू सुल्तान और उनकी तलवार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, वाकई में काबिले तारीफ है। 140 करोड़ रुपए में इनकी तलवार नीलाम हुई है। ये कितनी खास और कीमती तलवार होगी ये। और अनभक्तों का खैर मुंह तो खुला का खुला रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज होगी ये। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।